नमस्कार, आप देख रहे हैं जो आज झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज रांची में ओरमांझी के बरवे फुटबॉल मैदान पहुंचे। पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ सचिन तेंदुलकर यहां पहुंचे थे। यहां उन्होंने युवा संस्था के संचालक फ्रांज गैसलर से मुलाकात की। अमेरिका के रहने वाले फ्रांज गैसलर पिछले 10 साल से ज्यादा समय से रांची में ग्रामीण लड़कियों को फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने संस्था की ग्रामीण फुटबॉलर लड़कियों से भी मुलाकात की और उन्हें स्पोर्ट्स के टिप्स भी दिए। इस दौरान सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से सभी फुटबॉलर लड़कियों को टी शर्ट भी बांटे गए। ओरमांझी के बरवे फुटबॉल मैदान से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। सचिन तेंदुलकर आज अचानक रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद ओरमांझी पहुंचे। ओरमांझी में जो युवा नाम की संस्था है जिसे अमेरिका के फ्रांज गैसलर चला रहे हैं और जो आदिवासी लड़कियां हैं, जो ग्रामीण लड़कियां हैं ओरमांझी के बरवे गांव की, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तमाम लड़कियों को आज सचिन तेंदुलकर ने देखे कि उन्हें उनके साथ फुटबॉल खेला है। आज सचिन तेंदुलकर तुम्हारे पास आए, क्या क्या हुआ ये बताओ। वो आए, हम लोग को बहुत गर्व हुआ और अच्छा लगा कि हम लोग साथ खेले। हम लोग ये पता था कि आएंगे, पर इतना पता नहीं था कि कभी मिलेंगे। सो हम लोग सिर्फ उनको मोबाइल में टीवी में देखते थे खेलते हुए, ये कभी नहीं सोचे थे कि सामने से मिलेंगे। सचिन ने क्या क्या दिया? सचिन ने हमें ये जो जर्सी पहने वो दिए हैं और वो हमें डोनेशन भी देते हैं। तो सचिन तो लेकर आए तुम लोगों के साथ? हाँ। तो क्या बताया उन्होंने? बताया उतना अच्छा से बात नहीं हुआ हम लोग का, लेकिन हमारा गेम देख के वो बोले कि अच्छा खेलते हैं। बेटा गैसलर से बात की उन्होंने? हाँ, उन्होंने हमें सीख दी कि आप हमारे से मीन्स बहुत अभी से हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वैसे हम खेल तो रहे हैं 2013 से, अभी 24 चल रहा है। उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छे कोच हो और मुझे इंस्पायर किया, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि वो मेरे सामने आएंगे, मेरे यहाँ आएंगे। मैं खुद सोची थी कि मैं खुद से अर्न करूँगी पैसा, मैं जाऊँगी सचिन तेंदुलकर से मिलने, बट वो हमारे एक छोटे से गाँव पे आए, मुझे मैं सरप्राइज हो गई। फ्रांज गैसलर जो इन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं उनके साथ सचिन तेंदुलकर की बातचीत हुई। दरअसल सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर युवा नाम की संस्था के साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि बातचीत हुई थी कि ताकि ग्रामीण लड़कियों से बात की जाए और रांची के ओरमांझी में जो फुटबॉल को लेकर संभावनाएं हैं खासकर लड़कियों में, उसको टटोलने के लिए सचिन तेंदुलकर रांची पहुंचे थे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 ओरमांझी रांची। और अब बात करते हैं उलगुलान रैली की। रांची में कल यानी 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय रैली होने वाली है जिसको जेएमएम लीड कर रहा है। ये कहना है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का। उन्होंने कहा कि इस रैली में विपक्ष के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 5 लाख लोगों के शामिल होने के दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इनकी गिनती 4,80,000 के बाद शुरू की गई है। जेएमएम इस कल की रैली उलगुलान रैली को लीड जेएमएम कर रही है। जेएमएम की भागीदारी सर्वाधिक रहेगी और हम लोगों ने होस्ट किया है। कल की उलगुलान रैली बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी झारखंड या देश के लिहाज से। कल एक क्रांति का उलगुलान का आगाज होगा झारखंड की धरती से, और उलगुलान का मतलब क्रांति, और क्रांति जब जब हुआ है तो इतिहास गवाह है, बदलाव हुआ है। देखिए, अगर ये 5 लाख की गिनती 4,80,000 से शुरू कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। 10-20 हज़ार लोग जुड़ जाएं इनकी रैली में तो यही इनकी अचीवमेंट होगी। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ रैली है, तो साहब देश में संविधान को सस्पेंड इन्होंने 1975 में किया था कांग्रेसियों ने, तो ये तो संविधान को बदलने का प्रयास 1976 में ही कर चुके हैं। हाँ, कल की रैली बेसिकली पूरे परिवार का गेट टुगेदर होगा, कई परिवारों का गेट टुगेदर है। रांची में उलगुलान रैली की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। रैली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इसके जरिए लोगों की नाराजगी सामने आएगी। उन्होंने कहा कि इसमें इंडिया अलायंस के सभी दलों के दिग्गज नेता कल रांची पहुंचेंगे। पूरे देश में जो एक आतंक का माहौल है और जिस तरह से जो गैर भाजपा शासित राज्य है
वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। यूँ कहिए कि जिन लोगों ने अपने नेता को चुना है और अपने मुख्यमंत्री को चुना है उसे जेल भेजने का काम किया जा रहा है। वो एक आक्रोश है झारखंड के लोगों में भी कि हमारे चुने हुए नेता को, जो भारत की स्वतंत्र एजेंसी कही जाती थी, वो गुलाम बन करके गिरफ्तार करने का काम किया है। उस बात को लेकर आक्रोश है और उस आक्रोश को हम लोग एकत्रित करने का काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के बैनर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। एनडीए ने सभी 14 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अभी भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। मुस्लिम समुदाय से एक भी टिकट नहीं देने पर एनडीए और पर लेकिन इंडिया अलायंस आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि इंडिया अलायंस ने सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है, तो जेएमएम ने भी कहा कि एनडीए धर्म की राजनीति करती है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पे चलते हैं हम। हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा नहीं देखते, लेकिन कोशिश करते हैं कि सामाजिक समीकरण पूरे तरीके से साधा जाए। अब आप देखें, हम लोगों ने जो उम्मीदवार दिया है उसमें से हमारी जो जनरल सीटें थी उसमें से जो हमारा 75% उम्मीदवार हमने दिया वो ओबीसी समाज से दिया। इसके उलट कांग्रेस ने अब तक जो सीटें घोषित की उसमें 75% दूसरी जातियों से दिया, ओबीसी के सिर्फ 25% रखा। दो सीटें तो ट्राइबल के रिजर्व थी। धर्म और कास्ट की राजनीति तो करती आ रही है भाजपा, और वो ऐसी पार्टी हम लोग को बोल रही है जिसने पूरे इंडिया में कहीं एक सिंगल मुस्लिम एमपी नहीं है। और चूंकि ये लोकसभा का टिकट है, पूरे भारत में वोटिंग होनी है, तो आप पूरे भारत का परिदृश्य उठा के देखिए और इंडी गठबंधन में कितने मुस्लिम भाइयों को और मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन कितना है, जब वो डाटा कंपेयर करेंगे तो आपकी जो क्वेरी है वो खुद क्लियर हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने यहां लोहांचल आवासीय कार्यालय में बैठक की। इसमें गिरिडीह से जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो भी शामिल हुए। मथुरा महतो ने कहा कि झारखंड की सभी लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस की जीत होगी। अनुपमा सिंह ने भी कहा कि एक एक वोट हमारे पक्ष में होगा। तो एक तरफ अनुपमा सिंह जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता ललन चौबे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधायक अनूप सिंह की पत्नी को टिकट देकर कार्यकर्ताओं के अपमान का आरोप लगाया है। ललन चौबे के इस्तीफे पर बेरमो विधायक अनूप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। अनूप सिंह ने कहा कि ढुल्लू महतो और ललन चौबे में कोई अंतर नहीं है और उनके जाने से कांग्रेस और मजबूत होगी। उम्मीदवार घोषित किया गया जिसे कोई जानता भी नहीं है, जो घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकली है औरत, उसको कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी का उम्मीदवार एकाएक बना दिया गया, इससे दुखी होकर कि इससे कार्यकर्ताओं को भारी अपमान हुआ है, मैं अपने पद से और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। ललन चौबे जी का इस्तीफा देना कोई नुकसानदायक साबित नहीं होगा। ललन चौबे जी पे वही सब केसेस हुए हैं पूर्व में जो ढुल्लू महतो पे भी हुए, तो ऐसे प्रतिनिधि के लोग अगर हमें छोड़ के जाते हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को फायदा ही होगा। महिला का केस ढुल्लू महतो पे हुआ तो ललन चौबे जी पे भी हुआ।
तो पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। उम्मीदवार प्रचार को रफ्तार देने के लिए जगह जगह कार्यक्रम और सभा कर रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार विष्णु दयाल राम ने चंपाई सरकार पर निशाना साधा है। विष्णु दयाल राम ने कहा कि लंबित योजना के पीछे राज्य सरकार का उदासीन रवैया रहा है और विकास को लेकर राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। आपको बता दें पलामू लोकसभा सीट को लेकर भी एनडीए प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी के साथ लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल कर सके, जिसके लिए लोगों से वोट की अपील की जा रही है। तो रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार सुबोध कांत सहाय अब भगवान श्री राम के शरण में दिख रहे हैं। कांके में कलश यात्रा में शामिल सुबोध कांत सहाय ने रांची सीट पर आज ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की मांग की है। अपनी बेटी का नाम चर्चा में आने पर उन्होंने सफाई भी दी। सुबोध कांत सहाय से खास बातचीत की है रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कांग्रेस कोटे के रांची सीट फिलहाल होल्ड पर है और हमारे साथ यहां पर रांची सीट से प्रबल दावेदार कहे सुबोध कांत सहाय, हम उनसे बात करेंगे कि सर इस समय आप जो शामिल हो रहे हैं कलश यात्रा में, टिकट को लेकर जो बात कही जा रही है क्या कहेंगे? देखिए ये यात्रा तो हार्दिक यात्रा जो है ये तो चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। टिकट वगैरह तो चुनाव तो एक पड़ाव है, पड़ाव के आगे फिर लक्ष्य जो है वो श्री राम जी का लक्ष्य है। ये सब देखिए इन्होंने अपने पूरे लोगों को जोड़ के इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। ये सौभाग्य था मेरा कि मैं राम मंदिर के निर्माण के जब गृह मंत्री था तो कहीं सारा निगोशिएशन। आप बीजेपी की ओर मुखातिब तो नहीं हो रहे? देखिए मैं सुबोध कांत हूँ, सुबोध कांत का एक अपना लंबा 4-5 दशक की राजनीति है। मैं 3 सरकार में अयोध्या का निगोशिएशन देश में अकेला आदमी किया हूँ, अजय गृह मंत्री, चंद्रशेखर की सरकार, बीपी सिंह की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार। समझौता से हम 90% पहुँच गए थे, लेकिन जो प्रभु की इच्छा होती है वो होती है। लेकिन हमारा कोई राम भक्त और राम प्रभु श्री राम का नहीं हो सकता ये कल्पना धरती पे करना बेकार। टिकट की बात करें तो अब जो है नाम आपके साथ साथ आपकी जो बेटी है ये सुशनी सहाय का भी नाम आ रहा है। जो भी करे आज कर देना है इनको, आज के बाद जो है वक्त इनके पास नहीं होगा, मैं इतना ही कहना चाहता। मतलब क्या आप जो कल रैली होने जा रही है कल रैली में शामिल होंगे सुबोध कांत सहाय? मैं पूरी तैयारी में हूँ, शामिल क्या होगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। सर उम्मीद कर रहे हैं कि रांची सीट से आपको मौका मिलेगा या यशस्वी सहाय को? अब वो कहा ना कि जब हमारी बेटी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। सिमडेगा में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। सिमडेगा में इस बार 15,467 नए वोटर हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिला वर्ग किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहती है, इसे लेकर राय जानने की कोशिश की है सिमडेगा संवाददाता श्रीराम पुरी ने। चुनाव है, झारखंड का प्रथम चरण खुटी लोकसभा के लिए होगा जो 13 मई को मतदान होगा। उस मतदान को लेकर हम आज जो नए वोटर हैं, जो 18 वर्ष के नए जागरूक वोटर हैं, जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, उनके बीच आए हैं। मैं इस बार पहली बार वोट दे रही हूं तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूं और बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये अवसर मिला। मैं ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहती हूँ जो हमारे महिलाओं की शिक्षा, खेल कूद सभी का सहायता करे। सड़क का निर्माण, बहुत सारे गांव में सड़क नहीं है जिसके कारण बच्चों को आने जाने में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से गांव में पानी की असुविधा होने के कारण लोग दूषित जल को पीते हैं जिसके कारण बीमारियां हो जाती है। बीमारियां होने के बाद उन्हें स्वस्थ होने के लिए अस्पताल भी नहीं है, तो सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम एक मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है।
मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेता हो जो हमारे देश का और हमारे जिला का हर जगह हमेशा सब चीज सदा अच्छा हो और हर एक चीज में सफलतापूर्वक हर चीज हासिल होना चाहिए। मैं जिससे भर दूंगी उससे मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि गांव में घर की सुविधा नहीं है, बहुत बरसात में दिक्कत होती है गरीबों को, रात में बरसात होती है तो टपकती है रात में, और सड़क की भी सुविधा नहीं है, कीचड़ में चलना पड़ता है। और हमारे देश में जो बेरोजगार हैं, जो दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, उसे इसी देश में काम मिले और अपना घर चलाएं। हमें इस मतदान में बढ़ चढ़ कर सभी को हिस्सा लेना है और मैं ऐसा प्रतिनिधि को चुनना चाहती हूँ जो विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण विकास करे। जो भी बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं, वे तरह तरह की डिग्रियाँ लेकर घर में बैठे हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें रोजगार देने का प्रयास किया जाए। इस बार 80% पार, इस बार 80% पार। आप लोग पूरे उत्साह में हैं वोट देने के लिए? यस सर। सुना आपने, लोग उत्साह में हैं, 80% वोट को पार करना है जिले में, और 80% जब पार होगा तो अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और यार रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।